वो विरोध करने वाली फिल्म ही है। रावण का किरदार जो सैफ अली खान निभा, उसको क्या पता रावण क्या था, वो तो केवल किरदार निभा रहा है रावण का। रावण एक महान विद्वान था, सैफ अली खान को वेद के बारे में क्या अनुभव है। दूसरी बात, ये जो फिल्मी प्रचार स्टारक हैं, इनको केवल अपने लिए करना है। रावण जो था उसमें किसी भी स्त्री को बगैर उसकी इच्छा के बगैर देखना भी वो नहीं पसंद करता था। ये लोग तो व्यवसाय बना रखा है इन्होंने। रावण थे वो महात्मा पुरुष थे, देश भक्ति करने वाले, बड़े बड़े वेदों के ज्ञान था उनको। लेकिन जो आदि पुरुष फिल्म के अंदर दिखाया गया वो बिल्कुल गलत है। रावण की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई गई है, जबकि इतनी बड़ी दाढ़ी तो रावण की होती नहीं थी। हमने भी फिल्में देखी हैं, ग्रंथ पढ़, अगर जिन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने अगर ग्रंथ पढ़े होते तो उनको सच्चाई मालूम होती कि रावण का क्या रूप था, वो कितने बड़े महात्मा थे, महान पुरुष थे। ध्यान से देखेंगे जो ग्रंथ है हमारे, जब आप पढ़ते हैं, राम जी को कभी भी गुस्सा नहीं आया। और उस पूरी फिल्म में राम जी का जो किरदार है वो बहुत क्रोधित दिखाया हुआ है, जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, राम जी गले में जनेऊ डालते थे, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। हनुमान जी ये गले में कोई कुंडल नहीं दिखा रखे, लेदर की जैकेट्स और जूते, जो उस टाइम में नई चीज़ें थी, जो चीज़ें थी ही नहीं वो कैसे दिखा सकते हैं। और आपको ही पता है कि हिंदू धर्म के साथ हर बार बॉलीवुड खिलवाड़ करता ही आ रहा है काफ़ी समय से। उस पिक्चर में हनुमान जी की जो भी स्तुति दिखाई गई है, एक हनुमान जी पवित्र रोल है जिसमें जनेऊ धारण किया हुआ उन्होंने, और राम भक्त हनुमान जो भी उसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है कुछ भी उस टाइम ना होता था। जो उन्होंने दिखाया बिल्कुल गलत दिखाया हुआ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए पिक्चर में। जो भी है क्लियरली यही है, अब हनुमान जी राम भक्त हैं, बिल्कुल ब्रह्मचारी का पाठ कर रहे हैं जो, और हनुमान जी का रोल बिल्कुल उसमें गलत दिखाया हुआ है। हनुमान जी महाराज की जहाँ तक बात है, हनुमान जी को दिव्य स्वरूप में देखा जाता है। भगवान स्वर्ण शैला वदेहम है, दिव्य तेज से समन्वित हैं। आज आप देखें तो रावण की तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि रावण किशोरी जी को अपने यहाँ ले गया, पर पूरे महीने पूरे साल तक रखने के बाद एक बार भी उसने स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। आज के मानवता के लिए देखा जाए तो रावण से ज़्यादा खतरनाक तो आज के लोग हो गए हैं।